Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hello, Ishan. Hello, Maisha. Welcome to E-Times TV. It's not a good feeling to see you guys outside the house. What is your feeling? A little bit disappointed? I am not honestly disappointed. Mixed feelings, to be very honest. I miss the house a little, but a part of me of the house is with me right now. So that's making the missing a little less. But it's just weird not waking up to music anymore, having a mic around you all the time. So it's like mixed feelings right now. Yeah, but you guys must be happy ki aap dono aaye bhi to saath mein bahar aaye. Obviously baat hai ki as partners aap chahte honge ki Ishan better kare, but agar wo bahar aa gaye hain to it must be a good feeling. Yeah, me being selfish, yeah, it's a great feeling. What would I do without him here? It would be very lonely. I'm glad he's out. Yeah. Ishan, what do you want to say? आपको निकलने से पहले आपको जय को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी है कंप्लेंट्स थी कि अगर वो मायशा का नाम नहीं लेते तो शायद मायशा घर में होती. बाहर आने के बाद आपको शौक लगा क्योंकि आपके करीबी दोस्त जो हमेशा दावा करते आए कि वो आपकी आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उन्होंने करण को आपका नाम और मायशा का नाम पिच किया था. I would just like to say, well played, Rajiv. You're playing an amazing game. And unfortunately, there is something known as karma. And that's all I would like to say. Absolutely. Yeah. She's right. Agar usne ye statement kahi hai, to bahut galat hai. Because mun pe bolna that you're very close to me as a friend and you're very concerned about me. और ऐसी स्टेटमेंट देना कि ये तो कुछ करते नहीं है और एलिमिनेट तो अगर होना चाहिए तो इन दोनों को होना चाहिए, देन डेफिनेटली कर्म नाम की चीज एक होती है और टाइम इज गोना टेल यू दैट्स अबाउट इट. या बट आपका थोड़ा सा भी थिंकिंग चेंज हुआ है जय को लेकर आफ्टर यू हैव कम आउट ईशान, क्योंकि आप थोड़े अपसेट दिखाई दिए कि वो मायशा को लेकर फाइट नहीं किए. बिकॉज हम जहाँ से देख रहे थे वी थॉट कि उन्होंने एंड तक फाइट किया मायशा के लिए. इनफैक्ट काफी इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स भी सुनी उन्होंने, चाहे वो तेजस्वी से हो, करण से हो या विशाल से हो, वो तीनों मिलकर उनको डोमिनेट कर रहे थे. कि एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि उन लोगों ने ये ऑफर रख दिया था कि या तो ये एक्सेप्ट करो या तो फिर बैकआउट करो. अच्छा ओके यार, मेरे मन में कोई ग्रज नहीं है जय के लिए, बट फाइट करने का लोगों का तरीका होता है. एक होता है फाइट करना और एक होता है फाइट को जीतना. तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कि अगर मैं कुछ सोच के साथ किसी चीज में जाता हूँ तो फिर मैं वो पूरा करता हूँ. अब उसके लिए मुझे खुद को नॉमिनेट करना पड़े या कितना भी रिस्क लेना पड़े वो मैं करता हूँ. बट इनके भाई जैसे हैं जय, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एंड तक इनके लिए लड़े. बट मैं होता जय की जगह और मेरी कोई बहन होती शो में, तो मैंने जब मैं डोनाल्ड बेस्ट को नहीं जानता था तो शो में एंटर करने से पहले डे वन था मैंने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया था. तो मेरा खेलने का तरीका अलग है. तो मैं नहीं कह रहा कि जय अपनी जगह पर गलत है, पर मैं अगर जय की जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली खुद को नॉमिनेट कर देता. लेकिन अगर मैं किसी को अपनी बहन बोल रहा हूँ तो फिर वो बहन पे अगर बात आएगी तो भाई मेरे लिए शो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को नॉमिनेट करता. पर जो जय ने किया वो उसका टेक है, जो मैं करूंगा वो मेरा टेक है. Because he tried to nominate himself when Umar was against you and उन्होंने offer रख दिया था कि चल nominate हो जाते हैं. So again, I've said this before, I'm going to say it again. Just because हम साथ में हैं, just because we're together doesn't mean our opinions need to be the same. When it comes to JB, I think one day before the nominations, we had celebs coming from the outside and telling us things that we need to work on and everything. And I just feel Jay, matlab unko bola gaya tha ki he's not playing the game and he's not doing things right and everything. And obviously when you get an outside perspective of this, you get your game up, you're like, oh, I have to do this. And maybe if that didn't happen, maybe I feel Jay, because I know how emotional he is, so maybe he would have
you know, nominated himself to save me or something. I know that. And I know that deep down inside he would have. First of all, for me, even him trying makes means a lot to me, okay? Because even there were three other people, it wasn't only Jay's decision. So I'm not going to blame only him for it. Whereas the others, Vishal also told me on my face during the nominations that mere taraf se aapka naam nahi aayega. And Teju also was pretty pally with me for everything. Should be like, Maisha, Maisha, Maisha. And to go ahead and do, Karan, I didn't have any expectations, but to go ahead and do something like that. So I wasn't hurt. I mean, I don't know if y'all saw it, but even after the whole thing, I went and told JB no hard feelings because I know he tried and I know he tried his best. So honestly, no hard feelings. And I mean, he's just being really like, you know, he felt really bad about it. Very protective. I understand that. But I don't think what JB did was wrong. He tried his best. I mean, for me, even that whole try means a lot. You know, for him to go there, think again, ask Big Boss, ki aapki sehmati nahi hogi to kya hoga? Even that means a lot to me. So I'm happy with whatever happened. And you know, aap dono ke relationship ko ghar mein baar baar judge kiya gaya, baar baar ungliyan uthai gayi. Do you feel kahin na kahin wo usne kahin na kahin logo ke dimag mein, audiences ke dimag mein dala ki ye kahin na kahin fake kar rahe hai? शायद अगर घर वालों ने या मेकर्स ने या होस्ट ने उतनी बार उंगलियां नहीं उठाई रहती कि दो दिन में तीन दिन में कैसे प्यार होता है और जजमेंट्स नहीं दिए होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू गाइस। आई जस्ट फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक एनी सी वी ऑल हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन एंड आई मीन इफ यू आर लाइक ओपिनियटेड इफ यू हैव अ स्ट्रांग माइंड यू विल हैव योर ओन ओपिनियंस सो आई फील fine, people could have thought, you know, that it could be fake, wasn't organic, it was planned. If it was planned, we would have done some better planning. We don't say it in a week, we drag it a little bit, suspense build up. If it was planned, so it wasn't planned, obviously. And I also feel that if after 10 years, you know, people can break up, then why can't it happen in a week? And it happened, and also ek hafta in Big Boss house is like 1 month outside because you get to spend like really little time with the person every day trying to get to know that person. But here I'm waking up and he's there and we're talking the whole time and, you know, we're just spending so much time together. It's like 1 month in the outside world. And I don't think ye time period hota hai ya validity hota hai kisi bhi cheez ka. It is jab feel hota hai and agar फील होके नहीं बोल सकते हैं देन वी आर बीइंग फेक टू आवरसेल्फ्स बाय नॉट हमें बस थोड़ा सा जल्दी फील हो गया और कोई टाइमलाइन नहीं होती किसी चीज को फील करने की जब फील हुआ बोला हमने एक्सेप्ट किया दैट्स अबाउट इट मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 2 महीने लगेंगे 3 महीने लगेंगे फिर आप जाके दोस्ती के बाद आप लाइक पे जाओगे फिर लाइक के बाद आप लव यू पे जाओगे मैंने जब इनको प्रपोज किया था मैंने एक ही चीज कही थी कि जो मुझे आपके साथ डीप कनेक्शन फील होता है मुझे लाइफ में फील नहीं हुआ And I stick to my words because ये बहुत genuine था मेरा जो मैंने कहा because बहुत दिल से बोला था और मुझे genuinely ऐसा feel नहीं होता कि मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला और जो के और हमें मिले हुए 1.25 महीना या 1.5 महीना हुआ है बहुत deep connection feel होता है और इंशाल्लाह आगे भी आप ये जो connection है और देखेंगे और I want to be with her and she wants to be with me और मेरे लिए बहुत matter करता है बस लोग सोच रहे हैं फेक है प्लानिंग है मुझे पर्सनली मैटर नहीं करता उनका अपना ओपिनियन होगा बट आई डोंट केयर अबाउट इट एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि मेरी इंटेंशंस क्या है इनको लेकर और इनकी इंटेंशंस क्या है मुझको लेकर मुझे बस वो मैटर आल्सो जब राजीव अंदर आए थे तो उन्होंने आपकी फैमिली के बारे में बोला था दैट दे आर नॉट हैप्पी विद मायशा एंड योर रिलेशनशिप आई एम श्योर अब बाहर आ गए हैं आप कुछ तो बात हुई होगी कोई तो हिंट मिली होगी क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी मॉम को लेकर कि उनको जरूर पसंद आएगी सबसे पहले वो खुश हो जाएंगे कि मायशा को खाना बनाने आता है मायशा को खाना तो बाय द वे बहुत टेस्टी बनाना आता है और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये जेन्युइनली बहुत टेस्टी खाना बनाती है आधा तो इन्होंने मेरा क्या कहते हैं आई स्टार्टेड लाइकिंग हर द डे आई मेट हर मुझे बहुत क्यूट लगी थी वो और फिर धीरे धीरे फिर मुझे याद है इन्होंने मेरा लीस्ट फेवरेट में नाम लिया था लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स बताने थे 3 लोग जिसमें से इन्होंने मेरा नाम लिया था
वो पता नहीं मुझे, मैं इसको भी बोलता हूँ मुझे क्यों इतना हर्ट कर गया। उसके नेक्स्ट डे से हमारे बीच में कुछ ना कुछ बातें बातें होना स्टार्ट हो गई थी, वी बिकेम फ्रेंड्स और एंड देन वी मूव्ड अहेड। बट जहां तक खाने की बात रही यार, मैं आई स्वेयर टू गॉड वो ये बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और जहां तक मेरी फैमिली की बात रही, मैंने अपनी मॉम से अपनी सिस्टर से ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में। इनफैक्ट आज टच वुड मेरी सिस्टर और इसकी भी बात हुई है एंड ये लोग मिलने भी वाले हैं बहुत जल्दी। और आई डेफिनेटली बी शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ हर, माय मॉम एंड माय सिस्टर वेरी सून। तो थोड़ा शर्मा रही है बट जो भी है बहुत जेन्युइन है। और फैमिली को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पसंद नहीं है, ये ऐसा बोला गया और मैं खुद शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मेरी मॉम को मेरी सिस्टर को मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तो बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगी, आप लोग बाहर आए होंगे, आप लोगों को डिफरेंट फीडबैक्स मिले होंगे, अगर सोशल मीडिया पे भी आप थोड़ा बहुत देख पाए होंगे, व्यूवर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट है कि अब ये घर बिग बॉस का घर नहीं, शमिता का ससुराल लग रहा है, विथ पीपल कमिंग इन साइड हु नो हर क्लोजली, और गेम बहुत वन साइडेड फेवर लग रहा है। वॉट इज योर टेक एज कंटेस्टेंट एज व्यूवर्स नाउ? According to me, when you say Shamita ka sasural, it means that, Shamita ke jo bhi close hain, wo aa rahe hain and everything. But I think except Rajiv, again, Rajiv was not only close to Shamita, he was good friends with Ishanti. So we can't say ki wo sirf Shamita ke liye aaya, jo bhi hai. Because there was more conversations between Ishan and Rajiv than Shamita and Rajiv also. Theek hai? And when it comes to the others, Vishal, she met Vishal on this show. When you talk about Rakesh and Neha, she met them on OTT, which is also again a part of Big Boss. So it's not like wo ghar se log aa rahe hain. It is already the people that were a part of the game. Now, unka, I mean, it's just good news for her that jo bhi log aa rahe hain were the strong contenders. It's just that she had a good rapport with the strong contenders. So, yeah. I would like to say one thing. If makers or creatives biased ho the towards Shamita, then Shamita OTT won. She won the big कलश टीवी के प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, वो जीतती ट्रॉफी लेती उसके बाद उसको कलश में भेजा जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे ओपिनियन में कि मेकर्स बायस हैं टुवर्ड्स शमिता या फिर उसको बहुत फेवर कर रहे हैं, ये एक कोइंसिडेंस है। राजीव इज अ वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, वो बहुत लोगों को जानते हैं जिसमें से शमिता हैपेंस टू बी वन ऑफ द पर्सन। उसके बाद राकेश और शमिता OTT प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, राकेश केपेबल था इसलिए वो OTT में आया, नेहा वो उसको OTT में मिली तो वो दोस्त उसको OTT से ही बनी थी और वो यहाँ पर आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि populism हो रहा है या फिर लोग bias हैं। Also, अगर अभी गेम के perspective से बात करें, मायशा एंड ईशान, आपको कौन लगता है कि कौन shrewd एंड manipulative प्लेयर्स हैं जो गेम के लिए कुछ भी करेंगे और किसी को भी यूज कर सकते हैं? ओके, यू हैव स्टार्टेड अ वॉर, बिकॉज मेरे ओपिनियन बहुत अलग है होंगे एंड इनके बहुत अलग होंगे। नो प्रॉब्लम, गो अहेड, वी आर क्लोज टू डिफरेंट पीपल, तो ही गो फर्स्ट। यार मैं बिल्कुल मैनिपुलेटर बन के आंसर नहीं दूंगा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि घर में बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं। कैलकुलेटिव जरूर है, विशाल लोगों को लगता है बहुत मैनिपुलेटिव, लेकिन मैं विशाल के साथ एंड तक खड़ा रहा, मैंने विशाल के साथ बहुत अलायंस बनाए हैं और लोगों का मानना था, लोग मुझे आके कहते थे शो में कि यार तू बेवकूफी कर रहा है, तू विशाल के साथ अलायंस बना रहा है, वो तुझे बेवकूफ बनाता है। लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूँ, उस वक्त भी मैंने लोगों को बिलीव नहीं किया और अब जब मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो क्लिपिंग्स देखी है, विशाल वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग, विशाल वॉज ऑलवेज इन माई सपोर्ट, और वो बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, देयर इज अ डिफरेंस। वो इतना स्मार्ट प्लेयर है दैट आई कैन गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू कि आप उसको टॉप 5 में देखोगे ही देखोगे। वो अपने कैलकुलेशन से वहां तक पहुंचेगा, मैनिपुलेशन से इंसान कुछ टाइम तक टिक सकता है शो के अंदर, उसके बाद नहीं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बात की जाए, इन माय ओपिनियन विशाल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तेजा इज अ गुड प्लेयर, अच्छी लड़की है तेजा, मुझे मैं उसको अपनी बहन बोलता हूँ, तो मुझे लगता है वो शो में चाहता हूँ वो शो में आगे जाए और इंशाल्लाह ट्रॉफी भी जीते। उमर इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, करण कुंद्रा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वो बैक फुट पे खेलता है लेकिन वो आई थिंक विशाल से भी ज्यादा कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव है,
उसको पहले से समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है गेम के अंदर, उसका रीजन वो बहुत रियलिटी शो जज कर चुका है। मैं इसको एक ही चीज बोलती हूँ, उसने ऐसा लगता है PhD करी हुई है रियलिटी शो की, कि उसको सब पता है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे ओपिनियन में यही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ये मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, बहुत दिमाग से खेल रहे हैं। दैट्स इट। या मायशा, योर टर्न। ओके, ग्रेट। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई टोल्ड यू यू हैव स्टार्टेड अ वॉर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, विशाल इज सुपर मैनिपुलेटर। ओके, आई थिंक यू नो ही सेज समथिंग एंड डज द कंप्लीट ऑपोजिट। ओके, सो but that works for him, that works for him till now. He's been caught, but he hasn't really like bared the brunt. But yeah, so I think Vishal is super manipulative. And the problem is, he, after he does all his manipulation, talks to you so sweetly, you're like, I'm the wrong one, I misjudged him, I'm the bad person, but it's all him in here. So yeah, Vishal. Definitely Teju. Okay, I think she is very smart. She's a smart woman. There's nothing wrong in being smart, but she's extremely smart. Could sometimes be borderline sly. I think she knows what she's doing. She's very smart. She knows what cards to play when she wants. Karan, honestly, he sugarcoats everything to your face and then goes and says the complete opposite behind your face. And I'm someone who I don't mince my words, so for me that again is a way of manipulation, where you show someone you're, you know, really close to that person, and then you go and behind their back you do the complete opposite. So these are my three most manipulative players. And if I have to talk about strong people, yeah, total different opinions. Yeah. So strong people, I am really, really, really fond of Shamita. She's a boss lady. She's opinionated. She speaks her mind. And she's just made her place so beautifully there that I'm in awe. She's just brilliant. Okay, so Shamita one. Number two, definitely JB. So JB is really strong again, very opinionated, has a lot of principles and values, and कोई किसी के बोलने से that doesn't change for him. If he has, it's like this for him. If he believes in something, he believes in something 100%. So that I really like about JB. And the other thing I like about him is, though he's like this and he believes in his principles and values, he has this really beautiful emotional side to him, and he's very protective. Yeah. And that just makes him human. Like, you know, that's just such a beautiful human quality. So I love that about him. The third person is Prateek. Again, I feel he is a bad boy with a good heart. Okay, I have come out and I've heard all my friends being like, oh my God, Prateek has always been by your side. He's always taken a stand for you. He's always spoken great things about you. And I know him even from the outside. And we are exactly the way we were in the show. We would fight over everything under the sun. But I know, like, because I know him since so long, I know how badly he wanted to do the show. I know how big it was a dream for him. And he's giving it his all. You know, from not being, not coming from a place where, like, obviously he doesn't have as much experience as KK or, you know, anyone else. But still he's making, like, a niche for himself. So that's great. And, I mean, he goes wrong sometimes. He goes overboard sometimes. But if he doesn't, then he's not Prateek Sajpal. So that. Umar, again, is like he's like a trump card. He's very, like, you don't expect it and then boom, he just does something and you're like, oh, think of that. Dark horse. I'm sorry? Dark horse. Yeah. He's totally the dark horse of BB. Again, he's really, really fun, super cute, and he has so much of Kira that it's lovely to see what he's gonna do next. Yes. Thank you, guys. All the best for your future, and I would like to see you guys happy together always, and all the best for your future. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.